देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों में आक्रोश व्याप्त है। पहलवानों ने कही, अपने सभी मेडल हम वापस कर देंगे, ये बात उन्होंने कही है। सभी लड़कियों के बयान दर्ज नहीं हुए। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया, हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। बजरंग पुनिया ये कह रहे हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण से है। दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही, हमें परेशान किया जा रहा है। कल देर रात जो पूरा घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर पर, वो सभी ने देखा। और ये तस्वीरें आप देखिए, कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई तक की नौबत वहां पर आ गई। दरअसल दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई और उसके बाद जंतर मंतर का वो इलाका जहां पर ये प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, वहां पर पानी जमा हुआ था। ऐसे में वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए बेड्स वहां पर लाए जा रहे थे, जिसको सीधा सीधा दिल्ली पुलिस ने कहा कि यहां पर धरना करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, किसी भी तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर आप यहां पर खड़ा नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर नोकझोंक काफी ज्यादा हो गई। दिल्ली पुलिस और पहलवान आमने सामने आ गए और पहलवानों ने कई गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाए। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। जब भी दिल्ली पुलिस में बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। अब आरोपी ब्रजभूषण FIR उन पे हो रही है। यहाँ पे इतने पुलिस वाले, 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम ज्यादा हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले, यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या?